सब चीज़ें डाल दें, कलर भी डाल दिया, केवड़ा भी डाल दिया, ऊपर का सारा हरा मसाला डाल दिया। अब ये दम पे जा रहा है 25 मिनट के लिए। आप लोग सब खैरियत से होंगे, मैं भी यहाँ पे खैरियत से हूँ। और आज आप लोगों को सिखा रही हूँ नो अनियन बिरयानी। अनियन नहीं डलेगी, सिर्फ भगार में तो डलेगी लेकिन वैसे पकाने में अनियन नहीं डलेगी। तो आज मैं वाली बिरयानी आपको सिखा रही हूँ, देखते हैं आपको पसंद आएगी कि नहीं। आप बना के देखिएगा। ये बारीक वाली हरी मिर्चें हैं, ये लेके इसमें ज़ीरा 1 टेबल स्पून डाल के और नमक डाल के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये एक यखनी बिरयानी है, ये हमने ग्राइंड कर लिया। हरी मिर्च, ज़ीरा और नमक ये डाल के हमारा रेडी हो गया मसाला बिरयानी। देखिए हमने पतीली रखी चूल्हे पे, उसमें हमने ऑयल डाला है 1 कप और ज़ीरा डाला है, सारे गरम मसाले डाले हैं जिसमें काली मिर्च, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी और ये मैंने बादाम का फूल और तेज़पत्ता ये भी डाल दिया है। सारे मसाले डल गए, इनको हीट पर रखा है, थोड़े से गर्म होंगे तो फिर मैं इसमें वो जो हरी मिर्चों का मैंने मसाला बनाया है वो इसमें। मसाला सारा कड़कना शुरू हो गया, गर्म हो गया, तो हमने जो ये हरी मिर्चों का मसाला बनाया था ये इसमें डाल दिया। 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक डाला है हमने, मैंने डाल दी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून भर के, धनिया 2 टेबल स्पून और नमक हसब जायका। अब मैं इसको भूनूंगी। ये देखें ये भुन रहा है मेरा हरा मसाला, सारा मसाला अच्छी तरह से वाला भुन गया। अब ये जो टमाटर मैंने काट के रखे थे 3, वो मैंने इसमें डाला। अब इसको भूनूंगी थोड़ा और फिर चिकन डालूँ। ये आलू, वो मैंने हल्दी और नमक लगा के रखा था, अब इसको मैं ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ और फिर निकाल दूँगी। देखिए हो रहा है गर्म, ये आटे से हम इधर से इधर कर देंगे ताकि हमारा ये देखा कैसे बन। इस तरह से सारे आलू हम इधर से उधर करके सेक लेंगे। इस तरह कैसे होगा, टमाटर रख के मैंने रख दिया था 5 मिनट के लिए, मोटे मोटे टमाटर काट के। और जब मैंने खोला तो ये देखें कैसे ये जान हो रहे हैं ना, ज़रा सा आप दबाएं चमचे से और फौरन वो मसाला बन रहा है यानी कि ना। बस इसको मैं 5 मिनट के लिए भूनूंगी टमाटरों को, फिर हम अपना चिकन डालते हैं। चिकन रह गया, बाकी सब हो गया। यहाँ तक अब दही डाल दिया इसमें, मसाला भून के भून गया था, टमाटर भून गए थे, अब इसमें हम दही डाल के थोड़ा भूनते हैं। हमारा मसाला भुन गया दही के साथ, टमाटरों के साथ, सब रेडी हो गया। अब हमने इसमें 2 किलो की चिकन डाल दी है, ये बड़ा वाला देखें है, ये देखें ये गल रही है और साथ साथ इसी पानी में गल भी जाएगी और भुन भी जाएगी। ये है नो अनियन बिरयानी, एक भी अनियन का पीस इसमें नहीं डला अभी तक, सिर्फ भगार में डलेगा, बाकी मसाले में कोई अनियन नहीं है। छोटा सा अनियन मतलब दरमियाना अनियन हमने लेकर और उसको हम फ्राई कर रहे हैं जो हम भगार पर डालेंगे, बस यही अनियन इसमें डलेगा, बाकी कोई अनियन नहीं डलेगा। चिकन भी भुन गया है, ये ऑयल छोड़ रहा है और मैंने हरा धनिया की जो डंडी वाला हिस्सा होता है ना पीछे वाला, वो थोड़ा सा इसमें काट के डाल दिया है ताकि इसकी खुशबू आ जाएगी, इसमें भी बहुत खुशबू होती है ना, तो बाकी ऊपर से डालूँगी। अब ये रेडी हो गया भुन के, अब इसमें आलू डाल के थोड़ा सा भूनूंगी और फिर पानी डालूंगी। आलू डाल के हमने 2 मिनट खाली चमचे चला के भुना है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी जितना मुझे बिरयानी के लिए चाहिए। बिरयानी का पानी डाल दिया है अपने चावल के हिसाब से, 1.5 किलो चावल है हमारे, के थोड़ा सा खदक दूंगी इसको 2 से 5 मिनट के लिए और फिर मैं चावल डाल देती हूँ। यहाँ हमारी प्याज भी लाल हो गई है और यहाँ हमारा खदक भी आ गया चावल इसमें। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ, मैंने चावल डाल दिए, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ और फिर ढकना बंद कर। ये सारा हरा मसाला है जो मैं ऊपर से अभी डालूंगी दम पर, ये मैंने रेडी करके रखा है, पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च है रेडी है भगार के लिए। मैं खदक आएगी तो फिर मैं दम पे लगाऊंगी इसमें पकने चावल तेज़ आंच पर। पानी तकरीबन खुश हो गया, थोड़ी थोड़ी आपको खदक आती हुई नज़र आ रही है ना, बस इसमें मैं प्याज का भगार ही वाला
डाल दूंगी और ऊपर से सारा मसाला डाल दूंगी और दम पे रख दूंगी। सब चीज़ें डाल दी, कलर भी डाल दिया, केवड़ा भी डाल दिया, ऊपर का सारा हरा मसाला डाल दिया। अब ये दम पे जा रहा है 25 मिनट के लिए। देखें जी, हमारी बिरयानी चली गई दम पर। और ये देखें हमारा किचन, जो भी बर्तन हमने इस्तेमाल किए थे वो साथ साथ धो दिए। और ये देखें बेसन में कोई बर्तन नहीं है। पकाते हुए आप जो भी इस्तेमाल करें उनको साथ साथ हाथ के हाथ धोते जाएं। तो और किचन देखें कैसा साफ हो गया। ये बिरयानी का दम आ गया है। अब आपको दिखाते हैं हम बिरयानी का दम कैसा हुआ है। ये देखिए जी, धुआंदार बिरयानी, ये देखिए आप। अभी मैं इसको मिक्स करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ जी। हमारी बिरयानी रेडी, मैंने मिक्स भी कर दी है और बस अब खाएंगे। हमने पापा को प्लेट में भी निकाल के दे दी और भी खा के बताएंगे। मजे भी भाई, चावल चलो जी, फर्स्ट क्लास हो गई यहाँ से। अगर आपको ये बिरयानी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।